हेलो एंड वेलकम बैक टू ड्रीमिक्स वेंचर्स। ये एक टेक्निकल टॉपिक पे छोटी सी वीडियो होगी, हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस स्टेप बाय स्टेप। तो जितने भी लोग वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो जितने भी लोग एक लैंडिंग पेज या एसईओ को लर्न करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक सबसे पहला स्टेप जो लेना पड़ता है वो है वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन या किसी भी सीएमएस की इंस्टॉलेशन। सीएमएस होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पे आप अपना पोस्ट डाल सको, अपने ब्लॉग्स डाल सको, वेबसाइट के पेजेस बना सको, उसमें कंटेंट पब्लिश कर सको, उसमें एसईओ की एक्टिविटीज़ कर सको, तो वर्डप्रेस सबसे फेमस एक सीएमएस है जिसकी इंस्टॉलेशन की हम बात यहाँ पे आज करेंगे स्टेप बाय स्टेप। बहुत छोटी सी वीडियो और क्विकली मैं आपको ये पूरा दिखा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, स्क्रीन पे चलते हैं सीधा। तो सबसे पहले ये आपने यहाँ पे आ जाना है सॉफ्टैक्यूलस जो कंपनी है जिसका वर्डप्रेस है, उसके मैं बेसिकली पेज पे आ गया हूँ। तो ये बेसिकली स्टार्ट होता है कि जब आपने बेसिकली इंस्टॉलेशन, जब आपने होस्टिंग ले लिया है, होस्टिंग के बाद सी पैनल आपने ले लिया है, सी पैनल के अंदर बेसिकली आपको वर्डप्रेस का ऑप्शन मिलता है। अगर नहीं पता है कि कहाँ पे आपको ये सब मिलेगा, तो ये मैंने पुरानी वीडियो अपनी बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो जाके देख लो पहले अगर आपको यहाँ तक का स्टेप नहीं पता है। तो आज हम बेसिकली उसके आगे, जब आपने होस्टिंग ले ली, सी पैनल के अंदर आपने वर्डप्रेस का ऑप्शन ढूंढ लिया है, अब आपने जब उस पर क्लिक किया है तो आपको ऐसा सा पेज नज़र आएगा। अब आप बेसिकली इस पे वर्डप्रेस के इंस्टॉल बटन पे दबाएंगे। इंस्टॉल पे जब आप दबाते हो, ये आपके वर्डप्रेस के सारे वर्जन्स हैं जितने भी हैं, ये नए और पुराने। अब आप इसमें थोड़ा सा नीचे आओगे तो सॉफ्टवेयर सेटअप के अंदर आप देखो HTTPS, ये HTTPS यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लो अपना प्रोटोकॉल। फिर यहाँ पे आपका डोमेन, बेसिकली आपके कोई से भी डोमेन हो सकते हैं, नए पुराने। मेरे कुछ डोमेन्स हैं जो यहाँ पे लिस्ट दे रहा है, ये होस्टिंग से जुड़े हुए हैं। फिर उसके बाद इन डायरेक्टरी का ऑप्शन देता है कि अगर आपको कोई ऐसा फोल्डर बनाना है जिसमें आप अपना सामान रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप बेसिकली लिख के देख सकते हैं, स्लैश उसके सब फोल्डर में आ जाएगा। तो ये एक ऑप्शन मिलता है आपको, जो आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं अगर आप नहीं चाहते कुछ। यहाँ पे अपना बेसिकली साइट का नाम डालना है, एडमिन यूज़र नेम जो आप कुछ भी डाल सकते हैं, मैं अपना नाम ही रखता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे मैंने अपना नाम डाल दिया। फिर आपके साइट की यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बेसिकली डालनी है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ग्रोथ मार्केटिंग कंपनी, मैंने अपना SC डाल दिया है। फिर उसके बाद एडमिन का पासवर्ड, आप यहाँ पे अपना पासवर्ड बना सकते हैं या फिर ये खुद अपना एक पासवर्ड देता है, वो सिलेक्ट कर लीजिए। एडमिन ईमेल डाल दीजिए, इसके बाद admin@dreamxventures, अपने आप उठा रहा है बेसिकली, मैंने डालना नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपने सिलेक्ट अपनी लैंग्वेज कर ली। बैकअप अगर आपको रखना है, कोई प्लगइन आपको वर्डप्रेस पे चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे रख सकते हो, तो बैकअप का रख लो। उसके बाद आप अंदर जाके भी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे आपको कोई और चाहिए हो तो वो भी रख सकते हैं। एडवांस ऑप्शन आप देखो, यहाँ पे बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, इसके अंदर आपको ज़्यादा जाने की, घुसने की नीड नहीं है, लेकिन ये डाटाबेस नेम, ये सब पूरा बैकएंड का काम है और बहुत ही थोड़ी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ इसमें चाहिए, जो कि ऑब्वियसली इतनी डिजिटल मार्केटिंग में हमें नीड नहीं होती है, तो इसको आप एज इट इज़ छोड़ भी सकते हैं। तो ये बेसिकली मैंने आपको एक बार सी पैनल का बैक एंड दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे ऐसे ऐसे फोल्डर्स बने होते हैं, और पब्लिक अंडरस्कोर HTML हमारा जो मेन फोल्डर होता है, इसके अंदर हमारे सारे एसेट्स पड़े होते हैं, सारे हमारा सामान जो है यहाँ पे पड़ा होता है। तो आप बेसिकली ये देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे ड्रीम एक्सवेंचर्स का यहाँ पे फोल्डर बनाया है, जो कि मैंने पब्लिक अंडरस्कोर HTML नहीं, मैंने ये बाहर ही बना दिया है। तो अगर आपको कहीं और बनाना है तो वो भी आप कर सकते हैं, इसको आप बेसिकली उस फोल्डर के अंदर डाल सकते हैं, या फिर आपको कहाँ बनाना है वो आप उन्हें देख सकते हैं। तो बेसिकली ये बैक एंड है कि सर्वर में आपका डेटा बेसिकली कैसे पड़ा है, कहाँ पड़ा है और किस लोकेशन पे पड़ा है, पूरी आपको सी पैनल की जानकारी देता है। तो ये मैंने आपको रफली एक सी पैनल का वो दिखा दिया झलक बेसिकली। अब यहाँ पे आप ऑटोमेटेड बैकअप से देता है, आप इसमें सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने यहाँ पे डोंट बैकअप रखा है क्योंकि ऑलरेडी हमने प्लगइन डाल लिया, तो उसकी नीड नहीं पड़ेगी। यहाँ से आप सेलेक्ट अ थीम यहाँ पे आप बेसिकली कर सकते हो। फ्री थीम्स देता है, कुछ अच्छी थीम्स भी आ गई हैं फ्री में, पहले नहीं मिलती थी। अब यहाँ से आप सेलेक्ट करके कोई भी यहाँ पे आप और भी मैनेज थीम सेट्स पे जाके आप बहुत सारी थीम्स देख सकते हो और भी। और उसके बाद आपको यहाँ पे देनी है अपनी ईमेल, जिस पे आपको चाहिए कि इंस्टॉलेशन की डिटेल्स अगर आ जाए तो, और क्लिक कर दो इंस्टॉल के बटन पे। बहुत सिंपल प्रोसेस है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, फटाफट से मैंने आपको दिखा दिया। इंस्टॉल पे क्लिक कर दी, आपका लोडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत ही जल्दी से लोड हो जाता है। देखो लोड हो भी गया है, इंस्टॉल हो भी गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, द सॉफ्टवेयर वाज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। इस बेसिकली डोमेन के ऊपर आपका वर्डप्रेस चलेगा, wp/ मतलब ये -admin, ये है आपका बेसिकली वर्डप्रेस का डोमेन, जिस पे आप जाओगे और इस पे आपका वर्डप्रेस का पैनल खुलेगा। तो
ये है ऑल ओवर बेसिकली इसके बारे में कि वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। एक बार आपने होस्टिंग खरीद ली, फिर सी पैनल वाली होस्टिंग आपने ली, सी पैनल जिसमें आपको मिला है, सी पैनल में आप गए, वर्डप्रेस डाला, वर्डप्रेस के अंदर आप गए, वर्डप्रेस के अंदर जो करना है वो इस वीडियो में मैंने बताया है। इंस्टॉल करने के बाद आप अपने URL पे जाओ, अपना domain.com/wp-admin करके आप ये लिखोगे तो आपका वर्डप्रेस का पैनल खुल जाएगा, जो होगा आपका बैकएंड जिसमें आप काम करना शुरू कर सकते हैं। और वर्डप्रेस की वीडियोस मैंने पहले बनाई हुई है, पुरानी वीडियो है, तो आपको वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, अगर आपका मन करे तो आप जाके देख सकते हैं कि वर्डप्रेस पे क्या क्या ऑप्शंस हैं और किस तरीके से आप क्विकली उसमें काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से बेसिकली ये टेक्निकल छोटी सी वीडियो मैंने आपके लिए बनाई थी, तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करके रखो चैनल को, ड्रीम एक्सपेंचर्स को सब्सक्राइब करके रखो और इसी तरीके से ग्रो करते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।